ताज के पास लोगों ने जमकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट डाले। युवाओं के साथ बुजुर्ग महिलाओं ने भी अपने मत का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी की। उन्होंने और अधिक विकास के लिए भी वोटिंग की। लोकसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही लोग मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस वक्त हम मौजूद हैं केबी जो गुप्त है इंटर कॉलेज है, यहां पर यानी पूरी शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं। हालांकि दोपहर का समय है, कम लोग हैं। अगर बात की जाए तो अगर जिस तरह से बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मतदाता धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं। अभी दोपहर के करीबन 2 बज चुके हैं और 30% से ज़्यादा यहाँ पर मतदान हो चुका है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम देखे गए हैं। और बात की जाए तो जिस यहाँ पर बुजुर्ग से लेकर कह सकते हैं कि नौजवान यहाँ पर पहुँच कर अपनी वोट यहाँ करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से हमारे साथ कुछ वोटर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे। आज अगर बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोट दिया है? कैंडिडेट फेस है या पार्टी है या फिर विकास को लेकर किस तरह के मुद्दे देख? मैंने जो आज अपना वोट दिया है, जो मैंने अपना अमूल्य वोट आज मैंने दिया है और राष्ट्र निर्माण के लिए, मैंने अपने एरिया को देख के, जो मेरा एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ उसको देखते हुए मैंने अपने क्षेत्रीय जो समस्या है उनको लिए लेके वोट दिया है। मैं एक विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल के पास रहता हूँ और जस्ट उसके पीछे जैसे गंगा मैया बह रही है, उनका बांध नहीं बन पाया। जैसे मेरे पास 100 पुराने 2 डिस्पेंसरी हैं जहाँ मिडिल क्लास और गरीबों का वहाँ इलाज होता है, मुफ्त इलाज होता है, वो नहीं बन पाए। और जैसे यहाँ की जो अव्यवस्था है उसको देख के मैंने वोट दिया है आज। हमारे साथ और भी यहाँ पर क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे। किन मुद्दों को देखकर आज यानी आपने वोट दिया है? विकास कार्यों को लेकर या पार्टी कैंडिडेट या पार्टी फेस? जी, सही, बिल्कुल सही सवाल है आपका। वोट का अधिकार सबको है और वोट देना चाहिए, बहुमूल वोट है, इसका मतदान करना चाहिए। आज का दिन छुट्टी का है और सरकार ने छुट्टी भी इसीलिए करी है कि अधिक से अधिक लोग वोट दें जिससे कि अच्छी सरकार चुनी जा सके। और वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन उसके साथ में कम से कम व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, ये हिंदुस्तान जो एक देश है, ये गुलदस्ता है, बहुत अच्छे फूल होगा, सभी धर्म हैं, सभी जातियाँ हैं, आने वाली सरकार कोई भी हो, मेरा अनुरोध सरकार से ये होगा कि भाईचारा, मन प्रेम, देश की उन्नति, तरक्की, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ देखा है, अभी यहाँ देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, यहाँ पर कितना क्रेज़ देखने को मिल रहा है। जो सीनियर सिटीज़न हैं वो भी वोट देने के लिए आई हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए तो कड़ी धूप हो रही है, हालांकि ये है। माता जी, आप वोट देने आई हैं, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आज किन मुद्दों को लेकर वोट दिए? हाँ, मुद्दों को बहुत सब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आने पर भी अच्छा लगा, नई हिम्मत थी तब भी आ गई मैं परिवार के साथ। कैसा लगा आज? अच्छा है, पर लोगों का भीड़ थोड़ी कम दिखी, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। बट हाँ, ओवरऑल लोगों को निकलना चाहिए। जब हम दादी को ला सकते हैं तो अभी आज के टाइम पे हर कोई आना चाहिए, ये हम लोगों का अधिकार है। अच्छा, इसमें महिलाओं की भी काफ़ी भागीदारी गई है, मैम यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, किन मुद्दों को लेकर आज वोट? नहीं, ये तो सब देखते हुए मुद्दे तो हम देख ही रहे हैं कि कितनी तरक्की हो रही है, कितना देश आगे बढ़ रहा है, विदेशों से कितने लिंक हमारे जुड़ रहे हैं, ये सब हम जो है देख ही रहे हैं। यही सब हम दिमाग में रखते हुए कि हमारा देश आगे और उन्नति करे, आगे बढ़े, इन सब को देखते हुए हम आगे। तो यहाँ नौजवान भी लोग हैं यहाँ पर, अगर उनकी बात करी जाए, मैम किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोट? मुद्दे तो हैं, बहुत सारे हैं जो कि मोदी जी चला ही रहे हैं, इतने सारे उनको देखते हुए हम सब आते हैं वोट करने। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी आए वोट करें और सबका सहयोग करें। देखा कि यहाँ पर उम्मीदों पर दुनिया कायम है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से जो यहाँ पर जो कैंडिडेट है, जो सरकार के जो वादे थे, जिस तरह से पर्यटन को लेकर जो उद्योग, पर्यटन उद्योग से जुड़े जितने भी व्यापारी हैं, उनका भी कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर जो वादे किए गए थे वो शायद आने वाली सरकार में पूरे हों। अपने साथी रॉकी के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़, आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।